नीचे मेरे को दिख रहा है, ये ट्रक तो पक्का डूबेगा इसके अंदर, तो इस ट्रक को इसमें जाएं गलती नहीं करता। और ये यहाँ पे राफ्टिंग के लिए छोटी सी राफ्ट है। आज मैं आया हुआ हूँ एक नए फार्म को विजिट करने, और ये नया फार्म मैं पहली बार विजिट कर रहा हूँ। और जस्ट मैं यहाँ पे विजिट करने आया हूँ, अभी यहाँ पे जो है मेरा कोई प्लान नहीं है खेती बाड़ी करने का। अभी पूरा विजिट करके देखूंगा ये वाला मैप, और अगर अच्छा लगेगा तो यहाँ पे खेती बाड़ी का देखेंगे। और ये वाली जगह का नाम है ब्रैंडनबर्गर उमलैंड, और इसका जो है नाम काफ़ी ज़्यादा सही है। और यहाँ पे ये वाला घर इनिशियली मुझे मिला है, और ये यहाँ पे अपनी पार्किंग वगैरह है, इधर अपना जो है ये शेड है जहाँ पे सारे ट्रैक्टर्स वगैरह पार्क हो रखे हैं, और ये वाली गाड़ी मुझे मिली है। और इस वाले घर का जो ये बैक यार्ड है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे जो है एक झूला भी है, इधर कैनोपी लगी हुई है और कुर्सियाँ लगी हुई हैं बैठने के लिए, इधर भी एक झूला है। और ये अपना एक छोटा सा स्विमिंग पूल है जो कि पूरा पूरा नेचुरल पत्थरों वगैरह से बना हुआ है। ये पूरा पत्थर से ऐसे ज़मीन खोद के बनाया हुआ है और काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है। इधर कुछ लकड़ियाँ वगैरह रखी हुई हैं, ये जो है सर्दियों में काम आएंगी। और यहाँ पे सही छोटा सा गार्डन बना रखा है। और ये वाला अपना पिकअप ट्रक मुझे मिला है, और ये पिकअप ट्रक काफ़ी ज़्यादा सही है, इस पर ग्राफिक्स वगैरह काफ़ी सही लगाए हुए हैं। और ये शेवरले का 3500 है, और इसमें पीछे ट्विन टायर है, और सारा ये कस्टम है। इसमें जो है काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ये अलॉय भी जो है कस्टम है, आगे भी जो है ये कस्टम ग्रिल लगी हुई है, और ये शायद इसको टो वगैरह करने के लिए आगे हुक लगे हुए हैं। और टायर तो इसके काफ़ी बड़े हैं, इवन इसके सस्पेंशन भी जो है कस्टम वाले हैं। और एक बार इसके इंटीरियर भी देख लेता हूँ, और इसके जो है साइड के ग्लास अपने आप खुल जाते हैं। वैसे इसमें LED लाइटें लगी हुई हैं, और इसकी लाइटें भी एक बार ऑन करके देखता हूँ। अभी ये सिंगल लाइट ऑन हुई है, और ये दूसरी लाइट ऑन करी, और ये सारी लाइटें ऑन हो गई, और काफ़ी सही लग रही है सारी लाइटें ऑन होकर। और इसके ORVMs पर भी लाइटें हैं, और एक लाइट यहाँ पर भी है इधर पिछले टायर के पास, और पीछे की लाइटें भी LED वाली हैं, और पीछे भी लाइटें हैं यहाँ पे, तो ये काफ़ी सही है। और एक लाइट तो यहाँ पे ऊपर भी लगी हुई है, तो लाइटों का काम काफ़ी अच्छा हो रखा है। और इसका जो है कलर और ग्राफिक्स भी मुझे काफ़ी सही लगे। इसे एक बार बाहर निकाल लेता हूँ यहाँ से, ये तो जो है आराम से निकल जाएगा। और ये पीछे इससे टच हुआ था, ये बारबेक्यू है यहाँ पर, थोड़ी सी जो है ये राख वगैरह ही पड़ी हुई है, रात को बारबेक्यू वगैरह लगाया होगा जो इस मकान का ओनर है। अभी तो जो है मैं यहाँ पे खाली विजिट करने आया हूँ, इसलिए ये वाला फार्म मैं देख रहा हूँ। बाकी ये फार्म परचेज करना है नहीं करना वो बाद में देखना पड़ेगा। और ये तो आराम से निकल जाएगा यहाँ से, थोड़ा सा फंस रहा है, कोई नहीं, काफ़ी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस है। ये नीचे से टच हो गया क्या? नहीं, निकल गया। और इसे तो फिलहाल यहाँ ही छोड़ता हूँ, अभी बाहर निकाल के। अपना यहाँ से एंट्री है, और ये वाला जो खेत है इसमें ये कॉर्न लगी हुई है, और ये खेत जो है मेरा नहीं है, ये किसी और का है। बट ये खेत अपना होता तो फ़ायदा होता, यहीं पे तो अपने सारे व्हीकल्स और टूल्स वगैरह है, यहीं से जो है मैं काम कर लेता। और ये रोड से रास्ता जाता है अपने यहाँ पे ये वाली शेड के अंदर, और इस शेड के अंदर कितने व्हीकल हैं मैंने देखे नहीं अभी तक। और इसके अंदर तो पूरा पूरा खजाना है, इतने सारे व्हीकल्स रखे हुए हैं। इस फार्म को अगर मैं परचेज करूँगा तो यहाँ पर इतने सारे व्हीकल्स मिलेंगे, ज़्यादातर सारे व्हीकल्स ही हैं, मुझे परचेज करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं अगर मैं बेसिक खेती बाड़ी करूँ। उसके बाद बड़े बड़े अटैचमेंट लेने होंगे वो अलग बात है। ये घास काटने के लिए छोटा टूल है, ये बड़े वाला टूल है। इसमें जो है ये विंड रोवर भी लगा हुआ है, जो ये गोल गोल घूमता है और घास को एक जगह इकट्ठा कर देता है। ये जॉन डियर का ट्रैक्टर है 270, और ये फैंड का है। ये वाला कौन सा मॉडल है, 724, ये मैंने यूज़ नहीं किया इतना। ये हेडर रखा हुआ है, ये हेडर है कोन का, और इधर हार्वेस्टर है, और इधर दूसरा हेडर है ये वीट वाला है। और ये ट्रॉली जो है ये कोन के लिए यूज़ होती होगी शायद, क्योंकि ये ऐसी ही लग रही है मेरे को। और यहाँ पे ये सीडर रखा हुआ है, इधर कल्टीवेटर है, इधर दूसरा सीडर है ये बड़े वाला, और ये वाला जो है प्लांटर है शायद कोन का ही लग रहा है मेरे को, जो फर्टिलाइजर स्प्रे करने के लिए। और इसमें यहाँ पर ये स्केल लगा हुआ है, ये 1, 2, 3 से लेके 13 तक है या 14 तक है, यहाँ पे जो है नापने के लिए। इसमें जब फर्टिलाइज़र आता होगा तो यहाँ तक दिखता होगा। और बाकी ये वाला टूल मैंने कभी यूज़ नहीं किया तो उसका मेरे को पता नहीं है। ये तो घास काटने के लिए ट्रैक्टर के आगे अटैच हो जाता है। और ये बेल लोडर है, ये तो मैं यूज़ करता ही हूँ। और बाकी यहाँ पे ये वर्कशॉप है अपने व्हीकल्स को रिपेयर करने के लिए, तो जो भी व्हीकल्स रिपेयर करने हो वो यहाँ पर अपनी शेड के अंदर इधर ला के यहीं पर रिपेयर कर सकता हूँ। उधर खिड़की से खेत काफ़ी सही लग रहा है। अगर मैंने यहाँ फार्मिंग की तो सबसे पहले मैं यही वाला खेत परचेज़ करूँगा, क्योंकि बिल्कुल साथ में है और बड़ा भी है। अभी फ़िलहाल तो यहाँ पे फार्मिंग वार्मिंग का कोई प्लान नहीं है, अभी तो पूरा विजिट करके देखूँगा, उसके बाद देखेंगे। सही लग रहा है वैसे। अभी ये गैरेज तो यहीं पे है, उधर की साइड भी तो पार्किंग है, वहाँ भी चल के देख लेता हूँ। और यहाँ पे ये शायद, और यहाँ पे ये क्या कढ़ाई रखी हुई है, हलवाई का सामान है। यहाँ पर भंडारे वगैरह का इंतजाम भी कर रखा है, तो ये हलवाई का काम भी करने की ऑप्शन है, कढ़ाई में बना लेंगे। और यहाँ पर ड्रम वगैरह रखे हुए हैं, और ये तो मिठाई जमाने वाली मेरे को ट्रे लग रही हैं,
ऐसी ही होती है जिनमें मिठाई जमाते हैं, हलवाई का सामान भी है मतलब यहाँ पे। पर ये वाली केज पता नहीं किस लिए है, ये कूड़ा उठाने के लिए है, मतलब जो यहाँ घास फूस का कूड़ा रहता है उसे भरने के लिए, तो उस कूड़े को भर के यहाँ पे डाल के इसमें आगे कहीं भी भेज सकते हैं, मतलब भेज सकते हैं मतलब कहीं डाल सकते हैं इधर उधर। और इधर तो ये ट्रैक्टर की अटैचमेंट रखी हुई है, आगे ये जो है बेल्स वगैरह को उठाने के लिए, ये वेट है, ये भी वेट है ताकि ट्रैक्टर आगे से उठे नहीं, वेट लगाने से जो है ट्रैक्टर का बैलेंस बन जाता है। इधर ये साइलेज वगैरह बनाने के लिए है, और यहाँ पे भी एक और ट्रॉली पार्क हो रखी है। ये वाली ट्रॉली भी सही है, ये भी शायद कॉन के लिए ही होगी, ये वाली मैंने यूज़ नहीं की तो इसलिए मुझे पता नहीं। और ये शायद डिस्क हैरो है, हाँ डिस्क हैरो ही लग रही है। और ये बाथ टब है या हलवाई का बड़े वाला टब है, बाथ टब ही है। और ये यहाँ पे जो पुराने ट्रक वगैरह होंगे या ट्रैक्टर होंगे उनके टायर हैं, वैसे तो ट्रक के टायर ही लग रहे हैं, ट्रैक्टर के इतने पतले नहीं होते, ट्रक के इतने पतले होते हैं। और इधर ये साइलोस हैं यहाँ पे स्टोरेज के लिए, और यहाँ पे ये वाली ट्रॉली खड़ी हुई है, और ये दो दो ट्रॉली हैं, दो आपस में अटैच कर रखी हैं, तो ये वाली ट्रॉली दो से भी ज़्यादा अटैच हो जाती हैं। इवन इस वाली ट्रॉली में भी यहाँ पे ये रहा अटैच करने का, तो ये कितनी अटैच कर सकते हैं ये वाली ट्रॉली को, इसको 3, 4, 5, 6 मतलब जितना लंबा ट्रैक्टर जो है खींच पाए उतना लंबा बना सकते हैं, और ट्रैक्टर को यहाँ पे अटैच करके चलाते हैं। बस को मोड़ने मोड़ने में दिक्कत रहती है। बाकी एक रास्ता यहाँ से है, ये रास्ता जा रहा है सीधा यहाँ पे, और एक और रास्ता ये है, ये जाएगा यहाँ पे अपनी शेड के अंदर जहाँ पे व्हीकल्स पार्क हो रखे हैं। और ये स्लरी टैंकर रखा हुआ है यहाँ पे, और ये स्लरी टैंकर छोटे वाला इतना बड़ा नहीं है, बट ये छोटे वाला भी काफ़ी मुश्किल होता है ट्रैक्टर के लिए खींचना, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा वेट हो जाता है। वैसे तो अभी काव वगैरह यहाँ पे नहीं मिली है, इसलिए स्लरी टैंकर का भी ऐसा कोई यूज़ नहीं है। और ये तो पाइप वगैरह रखे हुए हैं पुराने पानी के, या फिर जो नालियों वगैरह में यूज़ होते हैं वाले। और इधर ये सही घास वगैरह लगी हुई है, यहाँ पे सही गार्डन बना हुआ है, बाकी जगह भी वो काफ़ी सही लगी और प्रॉपर तरीके से बनाई हुई है। और अगर मैं यहाँ पे आऊँगा काम करने के लिए तो मैं इसमें और भी काफ़ी सारे चेंजेस कर दूँगा, जो चीज़ें मुझे चाहिए होंगी वो मैं लगा दूँगा यहाँ पे। और अभी वैसे इस फार्म पे 3-4 खेत पहले से हैं, जो मतलब इस फार्म को अगर मैं लेता हूँ तो 3-4 खेत मुझे मिलने वाले हैं, तो अभी चल के उन वाले खेतों को देख लेता हूँ। और यहाँ पे जो है ना दो रिवर भी है, एक छोटी रिवर है और एक बहुत बड़ी रिवर है, और बड़े वाली कुछ ज़्यादा ही बड़ी है। और अभी क्या करता हूँ, अभी पहले सामने एक छोटी रिवर है वो दिखा देता हूँ, वो बिल्कुल सामने ही है, और उधर से फिर अपने खेतों पे चल लूँगा। और दो खेत एक जगह है और बाकी दो खेत दूसरी जगह पे है, और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए। अभी पीछे मैं इसकी ये डिग्गी तो बंद कर लूँ, और जो छोटी वाली रिवर है वो इधर ही सामने आएगी, ये शायद आएगी, ये वाला ब्रिज जो है छोटी रिवर के ऊपर से ही जा रहा है, तो इस ब्रिज के यहाँ से ये छोटी वाली रिवर जा रही है। और ये ज़्यादा गहरी नहीं है, ये बहुत कम गहरी है, मतलब इसमें मैं भी यहाँ तक गया तो ऊपर तक ही हूँ, और मेरे को लगता है इसमें ये वाली गाड़ी भी जो है आराम से निकल ही जाएगी। एक बार ट्राई भी करता हूँ, वैसे भी इस गाड़ी की हाइट इतनी ज़्यादा है कि इस फुट रेस्ट पे पैर रख के चढ़ना पड़ता है, तो मुझे नहीं लगता इतने से पानी में इस पर कोई फ़र्क पड़ने वाला है। अभी भी ट्राई भी करता हूँ, पहले थोड़ी सी एंटर करके देखूँगा, अगर ज़्यादा डूबरी होगी तो फिर नहीं लेके जाऊँगा। और अभी इंजन तो पानी से ऊपर ही है, तो ये तो ईजिली निकल गई, इस पानी में तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब इसे पानी में थोड़ा चला के भी देख लेता हूँ, हाँ यहाँ तक भी कोई वार्निंग भी नहीं आ रही, थोड़ा सा बीच में लेके जाऊँ तो शायद, हाँ यहाँ पे थोड़ा बीच में हल्का सा पानी जाने का डर है, इसलिए यहाँ पे वार्निंग भी आ रही है, डू नॉट ड्राइव टू डीपली। और वैसे इस रिवर से काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, इस छोटे वाली रिवर के आसपास अगर मैं ग्रीन हाउस लगा दूँ तो बड़े ईजिली यहाँ से ट्रैक्टर को इसमें सीधा ही ले जा सकता हूँ, ट्रैक्टर के डूबने का भी कोई दिक्कत नहीं। अगर ये गाड़ी डूबी तो ट्रैक्टर भी डूबेगा, और आराम से पानी इससे जितना मन चाहे उतना ले सकता हूँ, पर अपने ग्रीन हाउस फ्री में काम कर लेंगे। अभी तो फिलहाल बाहर निकालूं, और ये वाले खेत तो दूसरी साइड है, अपने जो खेत हैं वो 4 और 5 नंबर वो बिल्कुल सामने है, यहाँ से बिल्कुल सामने ले चलता हूँ इसको, और एक बार इस गाड़ी के इंटीरियर भी देख लूँ। इंटीरियर भी इस गाड़ी के काफ़ी ज़्यादा सही हैं, और इसमें जो है सारी टचस्क्रीन वगैरह काम कर रही हैं, बस जो अपना पिकअप वाला ट्रक है पुराने फार्म पर रैम वाला जिसमें पीछे दो टायर लगे हुए हैं, उसके इंटीरियर में थोड़ा सा इशू आ रहा है, उसकी टचस्क्रीन वगैरह म्यूजिक सिस्टम वगैरह काम नहीं कर रहे, वो बंद पड़े हैं। इसके सारे के सारे काम कर रहे हैं, और इसके इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम, उसके थोड़े बेसिक से हैं, इसके तो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लग रहे हैं, और काफ़ी अच्छा है ये अंदर से। और इसमें सामने कुछ ही अलग से स्क्रीन लगी हुई है जो RPM वगैरह स्पीड वगैरह बता रही है, और अभी इसकी एक बार टॉप स्पीड मैं चेक कर ही लेता हूँ, वैसे तो 242 की आ रही है, अब देखते हैं कितने तक पहुँच पाता है। और ये 230 तो आराम से पहुँच ही गया था। और ये वाली वो बड़ी रिवर है, और ये रिवर तो मुझे काफ़ी ज़्यादा गहरी लग रही है, यहाँ तो मेरे को नहीं लगता कि ये ट्रक घुसाने की मैं गलती करूँगा, क्योंकि ये ट्रक इसमें डूब जाएगा, और अभी एक ही पिकअप ट्रक है, मेरे पास कोई दूसरा व्हीकल भी नहीं है, तो यहाँ पे इशू हो जाएगा, और फिर यहाँ से मेरे को पैदल ही जाना पड़ेगा। अभी एक काम करता हूँ, इस रिवर में थोड़ा सा नॉर्मली ऐसी एंटर करके देख लेता हूँ, तो ऐसी अगर मैं इसमें जाऊँ है तो ये काफ़ी ज़्यादा गहरी,
नीचे मेरे को दिख रहा है, ये ट्रक तो पक्का डूबेगा इसके अंदर, तो इस ट्रक को इसमें जाए गलती नहीं करता, इस ट्रक को नॉर्मल ब्रिज से ही लेके चलता हूँ, नया नया पिकअप ट्रक है, और पानी में जाते ही इसका इंजन ख़राब हो जाना है और फिर बहुत मोटा खर्चा आने वाला है इसको रिपेयर कराने का। और अभी वैसे ही बैलेंस काफ़ी कम मिला है और सिर्फ 1,31,000 यूरो है यहाँ पे। और इधर कोई आ तो नहीं रहा, आराम से मोड़ लेता हूँ। और इधर ब्रिज पे काफ़ी सही फ्लावर्स वगैरह लगा के डेकोरेशन कर रखी है, काफ़ी अच्छा लग रहा है ब्रिज यहाँ से जो है, साथ में रिवर है, इधर फ्लावर्स लगे हुए हैं। और ये जो लेफ़्ट में खेत है और राइट में खेत है, ये वाला अपना खेत है, और ये जो सामने जंगल दिख रहा है तो काफ़ी सही लग रहा है, इसे भी अभी देखूंगा। और पहले इस वाले खेत में देख लूँ क्या लगा हुआ है, इसमें तो ग्रास लगी हुई है, ग्रास का मैं अभी क्या करूँगा, वैसे तो रेडी टू हार्वेस्ट है बट ग्रास का तो कोई यूज़ ही नहीं है क्योंकि काव वगैरह कुछ है ही नहीं, किसको डालूंगा घास, तो फालतू में ये घास तो मेरे किसी काम नहीं आने वाली। और इस वाले में भी घास ही लगी हुई है, ये भी किसी काम नहीं आनी। और वैसे सामने कोई फैक्ट्री वगैरह है, इसको देख लेता हूँ, ये वैसे मेरे को ना ग्रेन मिल टाइप या फिर वुड प्रोसेसिंग की फैक्ट्री लग रही है, और यहाँ पे ड्रम वगैरह रखे हुए हैं तो पता नहीं किस चीज़ की देखनी पड़ेगी। और ये नीचे तो जो है ये पेड़ों के थोड़ी सी जो है डंडियाँ वगैरह पड़ी हुई हैं, मतलब यहाँ पे पेड़ वगैरह सप्लाई होते हैं। हाँ, ये यहाँ पे वुड लॉग्स पड़े हुए हैं, इधर ये छोटे छोटे वुड्स हैं, तो ये वाली तो वुड प्रोसेसिंग यूनिट है। और ये सामने शेड्स वगैरह हैं, ये पता नहीं किसी चीज़ के हैं, ये व्हीकल्स वगैरह के होंगे। और इधर ये शायद वुड का जो बरूदा वगैरह बनता है उसका डालने का है। इधर ये वुड स्लैब्स हैं और इधर भी यहाँ पे वुड स्लैब्स हैं, ये थोड़े दूसरे वाले हैं, ये अलग कलर में है, मतलब ये लकड़ी थोड़ी पुरानी है, ये नई है। और इधर की साइड ये कंटेनर वगैरह पड़े हुए हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए होंगे, बाहर ये एक्सपोर्ट वगैरह होती होगी लकड़ी यहाँ से। और ये भी जो है काफ़ी सही है इधर तो, और ईजी भी है क्योंकि साथ में ही यहाँ पर जंगल है, वहाँ से ट्री काट के इधर लेके आते होंगे। और ये कौन घूम रही है, अबे देख के मुड़ के गई, हेलो, अरे बात तो सुनो, यहाँ पर कौन सी फैक्ट्री है, ये सुन ही नहीं रही, अबे थोड़ी सी तो हेल्प कर दो, यहाँ विजिट करने आया हूँ, कौन सी फैक्ट्री है, वुड की है, नहीं भाई ये तो अलग ही एटीट्यूड में, छोड़ो इसको, मेरे को भी क्या फ़र्क पड़ रहा है ना बताए। और ये वाला जंगल मैं विजिट कर लेता हूँ उधर की साइड ना, गाड़ी से चला जाता हूँ, देखता हूँ जंगल कितना बड़ा है ये। और गाड़ियाँ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चल रही है, थोड़ा रोड पर केयरफुली पार करना पड़ेगा, पता चला किसी गाड़ी वाले ने उड़ा दिया। अभी यहाँ से ना सामने जंगल में सीधा एंटर करा लेता हूँ उसको ट्रक को, वैसे यहाँ पे कुछ नीचे लकड़ियाँ वगैरह पड़ी हुई हैं थोड़ी सी। और ये जंगल में वो काफ़ी बड़ा लग रहा है, वैसे ये पेड़ भी जो है काफ़ी सारे हैं, अगर मैं यहाँ पे ये ट्रीज वगैरह का काम करूँ काटने वगैरह का और वुड सप्लाई करने का तो यहाँ पर काफ़ी सही रहेगा, पर ट्री काटने का और सप्लाई करने का काम काफ़ी ज़्यादा स्लो है, उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। और सामने ये सिक्योरिटी गार्ड के लिए ऊपर बना रखा है, यहाँ सिक्योरिटी गार्ड शायद सर्वेलेंस के लिए खड़ा होता होगा। और यहाँ पे मेरे को बाउंड्री दिख रही है लेफ़्ट साइड में, ये जो है ये बाउंड्री आ गई है, इससे आगे तो नहीं जा पाऊँगा मैं, इतना ही है लिमिट। हाँ ये बाउंड्री हो गई यहाँ पे, अब यहाँ से बाहर निकल लेता हूँ, वैसे ये जंगल है काफ़ी ज़्यादा बड़ा और ये साथ में खेत भी है, इधर से निकलता हूँ बाहर और अब यहाँ से आगे और चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। और पहले तो बड़े वाली रिवर को एक्सप्लोर करता हूँ, वहाँ पर देखता हूँ कि रिवर के साथ में कोई बोटिंग वगैरह भी हो रही हो। और इधर यहाँ पर ये भी कोई फैक्ट्री वगैरह है नहीं, ये तो किसी का फार्म लग रहा है मुझे, ये यहाँ पे जो है काओ वगैरह रखने के लिए है, ये हॉर्स का है या काओ का है, किसी का भी हो सकता है, वैसे तो हॉर्स का लग रहा है। और इधर ये जो है हॉर्मैन, ये शोरूम वगैरह है क्या, ये एनिमल्स वगैरह ख़रीदने के लिए है शायद यहाँ पे, हाँ ये ऐसा ही लग रहा है मेरे को, अभी तो फ़िलहाल ये बंद पड़ा है। और सामने भी ग्रीन हाउस लगे हुए हैं सामने, तो सही है इधर ग्रीन हाउस लगे हुए हैं, और इधर की साइड सामने रिवर है तो पानी तो फ्री में ही मिल जाता होगा। और ग्रीन हाउस काफ़ी अच्छे खासे तरीके से लगा रखे हैं, और इधर खेत भी हैं, अच्छा लग रहा है यहाँ पे सब। और इधर तो ये वाली फैक्ट्री है, एक बंदा और घूम रहा है, इससे पूछ के देखूँ तो, छोड़ो चलो इनसे बाद में बात करूँगा। और अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ रिवर के साइड में देखता हूँ कोई बोट वगैरह चल रही हो, इतनी बड़ी रिवर है कोई बोट तो चल रही होगी, अभी इसके साथ साथ ही चलता हूँ यहाँ से रिवर के। हाँ ये जा रही है एक बोट यहाँ से, तो कोई बैठा है इसके अंदर या नहीं बैठा, एक मिनट, यहाँ कोई तो मेरे को दिख नहीं रहा, ये बोट ऐसी पार्क हो रखी है, मतलब यहाँ पे खड़ी है चल नहीं रही, बोटिंग वगैरह भी होती है यहाँ पे, मुझे लग ही रहा था इतनी बड़ी रिवर है तो बोटिंग वगैरह भी होती ही होगी। अब थोड़ा सा आगे चल के देखता हूँ, क्योंकि जो अपने दूसरे खेत हैं, दो खेत हो रहे हैं, वो वहाँ पर सामने की तरफ ही हैं, ये रिवर से ही मुझे उधर जाना पड़ेगा, और यहाँ से केयरफुली निकालना पड़ेगा, रिवर गहरी है, अगर थोड़ी सी भी राइट साइड गाड़ी गई ना सीधा पानी के अंदर जाने वाली है, और फिर ये गाड़ी रिकवर होनी भी नहीं, क्योंकि और कोई दूसरी गाड़ी भी नहीं है, और ट्रैक्टर वगैरह वैसे है उनसे ट्राई कर सकता हूँ,
बट डुबानी ही क्यों है फालतू में मुझे। और एक और बोट जा रही है सामने से, ये यहाँ पे छोटी बोट है, और इधर की साइड तो ये बायोगैस प्लांट है, यहाँ पे स्लरी वगैरह सप्लाई करने के लिए, बाद में अगर काव वगैरह रखूँगा तो यहाँ पे स्लरी सप्लाई कर सकता हूँ। और इधर की साइड सामने मार्केट वगैरह आ रही है, और वो उधर की साइड कुछ दिख रहा है मेरे को बड़ा सा, ये क्या कोई मॉल वगैरह है या चर्च है क्या है, अभी पास चल के देखता हूँ क्या चीज़ है ये। और यहाँ पे भी एक बोट है, बोटिंग तो यहाँ पे काफ़ी सही हो रही है। और ये वाली बिल्डिंग है, ये काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है वैसे, एक मिनट उतर के देखना पड़ेगा, अंदर देख के समझ में आएगा। और अंदर तो इसमें बेड वगैरह लगे हुए हैं, यहाँ भी बेड है, तो ये होटल है शायद, सारे के सारे कमरे ही हैं, सब में बेड लगे हुए हैं, तो ये होटल है इधर। और ये होटल की इधर से एंट्री एग्जिट होगी, काफ़ी सही बना रखी है, गार्डन वगैरह अच्छा बना रखा है। और यहाँ पे लिखा भी है होटल जुमी है शायद, तो होटल जुमी। और ये इसकी एंट्री है यहाँ से, मुझे तो होटल में जाना ही नहीं, मेरा तो यहाँ पे खुद का घर है, तो होटल में क्यों जाऊँगा यहाँ पे। और ये होटल की पार्किंग भी काफ़ी सही बना रखी है, इधर बस स्टैंड भी है, पार्किंग में बस यहाँ से होके जाती है, और सामने वहाँ साइकिल स्टैंड है। और इधर भी मेरे को कुछ दिख रहा था, एक और साइकिल स्टैंड तो ये रहा, इधर ये यहाँ पे इन्होंने नीचे सैंड डाल रखा है, और छोटा सा ये बीच टाइप का सा बना रखा है, देखने में तो बिल्कुल बीच ही लग रहा है, एकदम सही बैठने के लिए इंतजाम कर रखा है, ये होटल के गेस्ट जो होंगे उनके लिए होगा। और ये यहाँ पे राफ्टिंग के लिए छोटी सी राफ्ट है, सही है, इस रिवर में राफ्टिंग भी सही हो जाएगी। और ये बोट तो ऐसी पार्क हो रखी है, अभी तो कोई बोट राइड वगैरह नहीं ले रहा, दोपहर हो रखी है शायद इसलिए ले रहे, शाम को या सुबह यहाँ पे काफ़ी सही बोट राइड वगैरह होती होंगी। और इधर भी यहाँ पे बैठने के लिए है, और ये छतरी वगैरह सब जगह लगा के बढ़िया इंतजाम कर रखा है। और नीचे मेरे को कुछ दिखा यहाँ पे, ये एक कलेक्टिबल मेरे को मिल गया है, और ये कलेक्टिबल के भी काफ़ी सही पैसे मिलते हैं, और 50,000 यूरो मिले हैं मुझे एक कलेक्टिबल के, तो अब 181,000 का बैलेंस हो गया। बट ये बैलेंस भी काफ़ी कम है, मेरे दूसरे फार्म पे मेरे पास अभी $3.5 million से भी ज़्यादा का बैलेंस है, तो ये तो मुझे काफ़ी कम लग रहा है, इतने में तो एक ढंग की गाड़ी भी नहीं आएगी। बट स्टार्टिंग के हिसाब से काफ़ी अच्छा बैलेंस है, और स्टार्टिंग में अगर कलेक्टिबल मिल जाए तो 50,000 यूरो का प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट होता है। और आगे तो कुछ ऐसा है नहीं, एक बार आगे भी राउंड मार जाता हूँ, वैसे तो आगे मेरे को होटल का ही रास्ता दिख रहा है। ये होटल वालों ने कुछ यहाँ पे लेफ्ट में पूल टाइप का सा बना रखा है, और ये यहाँ पे गोल चक्कर है, और ये पूल भी देख ही लेता हूँ, होटल का नेचुरल वैसा है। और ये घूम रही है समझ नहीं आ रहा इसको देख के। और इधर की साइड ये छोटा सा पूल तो नहीं है, ये ऐसी है, बट पूल की तरह भी यूज़ हो सकता है, बढ़िया है एकदम, पानी साफ सुथरा है। इधर होटल का ये गार्डन तो काफ़ी बड़ा है, और होटल भी काफ़ी बड़ा है पीछे से तो अब दिख रहा है, एक मिनट थोड़ा सा और पीछे से देखता हूँ। इधर तो घास लगाई हुई है, किसी का खेत है, मैप तो ये काफ़ी सही लग रहा है मुझे, इस मैप पे जो है खेत भी काफ़ी सारे हैं, तो इस मैप पे अगर मैं देखूँ तो सारा का सारा जो मैप है वो पूरा का पूरा खेती बाड़ी का ही है। और टोटल खेत मेरे को अगर नंबर में काउंट करूँ तो 90 तक तो दिख रहे हैं यहाँ पे, 90 खेत तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, काफ़ी बड़ा एरिया है खेती बाड़ी का। और ये वाले खेत काफ़ी सही हैं जो सीधे सीधे हैं, तो खेती बाड़ी का तो काफ़ी सही काम यहाँ पे हो सकता है, और सारा ही खेती बाड़ी का काम लग रहा है मेरे को, और कुछ काम तो यहाँ पे दिख नहीं रहा, क्योंकि और बाकी जगहों पे और काम भी होते हैं, मतलब जैसे फैक्ट्रियाँ वगैरह, शुगर मिल, ग्रेन मिल, शॉप्स, बेकरी, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, ज़्यादातर सब खेती बाड़ी का ही दिख रहा है। अपने ट्रक की मैं ज़रा इंडिकेटर ऑन कर लूँ, क्योंकि मैं रुक रुक के चल रहा हूँ, इसलिए ये जो है पार्किंग लाइट ऑन ही रखता हूँ। और आगे भी पार्किंग लाइट जल रही है, नहीं जल रही, हाँ जल तो रही है, ठीक है। और अब यहाँ से मेरे को जाना है अपने खेत पे, और मेरा खेत जो है इस रिवर के दूसरी साइड है, तो रिवर के दूसरी साइड चलना पड़ेगा। और ये ट्रक कैसी बात कर रहा है बीच बीच में। और इस रिवर को पार करने के लिए ब्रिज यहाँ पे लेफ्ट साइड है, और इधर ये मार्केट है, ये सारी की सारी मार्केट है, ये फार्मर्स मार्केट वगैरह है, सुपर मार्केट टाइप की सी होगी यहाँ पर। और अब खेत आ जाएगा मेरा सामने की तरफ, और एक बार मैं खेत का नंबर देख लूँ, नंबर मुझे याद नहीं है, खेत का नंबर है 57 और 75, तो 57 पे जाना है, एक बार मैप ओपन कर लेता हूँ, 57 इधर की तरफ है, और यहाँ पे भी बिल्कुल रिवर ही जा रही है पास से, अपना खेत शायद रिवर के बिल्कुल पास में ही है, ये सामने वाला ही मेरे को लग रहा है। और इस रिवर से आराम से निकाल लेता हूँ इस गाड़ी को, क्योंकि बीच बीच में रिवर थोड़ी गहरी हो सकती है, जैसे यहाँ पर वॉर्डने आ गई, यहाँ पर थोड़ी गहरी थी। और ये वाला खेत जो सामने दिख रहा है, यही मुझे अपना खेत लग रहा है, एक मिनट यहाँ पर उतर के देख लेता हूँ, ये अपना ही है। और यहाँ पे वीट लगा हुआ है, और वीट जो है रेडी टू हार्वेस्ट भी है। और यहाँ से बीच से कौन गाड़ी ले गया, इधर की फसल ख़राब कर रखी है, कहीं मैं ही तो नहीं ले गया मैं जब यहाँ से गेहूँगा,
पता नहीं, बट ये बीज की थोड़ी सी फसल खराब हो गई। और जो दूसरा खेत है वो 77 नंबर है, वो भी जो है सामने की तरफ है, एक बार उसमें भी देख लेता हूँ क्या लगा हुआ है। और ये वीट वाला खेत काफ़ी ज़्यादा छोटा है, और अगर इस वाली लोकेशन में फार्मिंग करनी होगी तो मैं इस वाले खेत को सेल कर दूंगा और जो अपने घर के पास में खेत है वो ले लूँगा। बाकी कमेंट करके बताना कि किस किस को मैप सही लगा और यहाँ पर खेती बाड़ी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और फिर बाद में डिसाइड करेंगे कि जो है यहाँ पर खेती बाड़ी करनी या नहीं करनी। और अभी जाना है मुझे 77 नंबर पे, 77 नंबर इधर की साइड होगा, मैं इधर की साइड जा रहा था। यहाँ पे ये तो किसी का घर है, पक्की बात है, ये यहाँ पे फार्म हाउस लगा हुआ है और ये जो एनिमल्स के लिए शेल्टर वगैरह लगे हुए हैं। और 77 नंबर वाला फील्ड सामने ही दिख रहा है, ये वाला है, इसमें क्या लगा हुआ है, इसमें तो मेरे को सनफ्लावर दिख रहे हैं, एक मिनट, सनफ्लावर है और अभी ये ग्रोइंग है, तो अभी ये हार्वेस्ट के लिए रेडी नहीं हुए। और ये सनफ्लावर काफ़ी सही लग रहे हैं देखने में। और इस वाले खेत को एक बार देख लूँ यार, खेत कितना बड़ा है, ये मुझे काफ़ी छोटा ही लग रहा है, ज़्यादा बड़ा तो है नहीं। एक बार आगे की तरफ लेके चलता हूँ, देख लूँ, लेंथ तो ठीक है बट इसकी थोड़ी सी ना चौड़ाई मेरे को कम लग रही है। और यहाँ भी कोई बीच से गाड़ी लेके गया है, यहाँ से तो पक्का मैं लेके नहीं गया गाड़ी, यहाँ भी बीच में किसी ने क्रॉप ख़राब कर रखी है। वैसे तो रास्ता खाली है, गाड़ी को यहीं पार्क कर देता हूँ। ये बीच से जो है इधर तो शायद ये ग्रो ही नहीं हुए, और यहाँ से मेरे को भी दिखा था बीच में ये इधर कहीं से कोई गाड़ी लेके गया है, क्रॉप ख़राब हो रखी है। तो ये वाला फील्ड भी छोटा ही है, तो अगर मेरे को यहाँ फार्मिंग करनी पड़ेगी तो मैं बड़े फील्ड लूँगा और कोशिश करूँगा कि जो अपने घर के लेफ्ट और राइट में खेत है पहले वो परचेज़ करूँ, ताकि काम आसान रहे, क्योंकि वहीं पे अपनी सारी पार्किंग है, उसके बाद वाले खेत परचेज़ करूँगा। बाकी कमेंट करके बताया करो कैसी लगी वीडियो, कैसा लगा मैप, ताकि जो है मेरे को डिसाइड करने में आसानी रहे कि खेती बाड़ी करनी है या नहीं करनी यहाँ नई जगहों पर। बाकी हर जगह पर हर लोकेशन पर अपना अलग अलग सही सी चीज़ें हैं, और हर लोकेशन पे कुछ ना कुछ तो बढ़िया है। जैसे इस वाले लोकेशन पे यहाँ पे रिवर्स का काफ़ी बढ़िया लगा मेरे को, ऐसी रिवर्स मेरे को किसी और मैप पे अभी तक नहीं दिखी हैं। बाकी आज के लिए फिर इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।